स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या हो रहा है ये सब? आज का मेन्यू सुनो, मैं क्या क्या बना रही हूँ। रिसोटो, पास्ता, गार्लिक ब्रेड विद चीज, ऑसम फूड बनाने वाली हूँ मैं आज। क्यों सोसाइटी वाले आ रहे खाना खाने? अरे इतना बोर हो गई हूँ ना मैं बता नहीं सकती हूँ, तो अब मैं खाना बनाऊंगी सब लोगों के लिए। लेकिन सब लोग तो खाएंगे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा और मैं तो हम लोग डाइट टिफिन साइन अप किया हुआ है। मैं भूल कैसे गई? पीहू तो पीहू खाएगी ना, पीहू को तो पास्ता बहुत पसंद है, एटलीस्ट उसके लिए। मैं भी भूल गया, सॉरी। क्या सुबह जब पीहू को स्कूल छोड़ा था उसने कहा था उसे डिनर में पिज्जा चाहिए। इनफैक्ट मैंने आते पिज्जा ऑर्डर भी किया है एंड इट मस्ट बी ऑन इट्स वे। देखिए आपको भावना के बारे में जैसे ही पता चलता है आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ जी जरूर मैम। और मुझे अपना लैंडलाइन नंबर दे दीजिए, इनकेस मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ। जी अपा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, आप टेंशन मत लीजिए। जो हमारी एफिशिएंट टीम है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जो ग्राफिक डिजाइनर है वो पिछले 2 साल में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो सब उसी ने हैंडल किए, इस बार भी वही कर रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जी ओके बाय। श्वेता जो भी कोड्स हैं वो सारे पता है ना तुम्हें कैसे ड्राफ्ट करने हैं? यस सर। और इस बार के कोड्स सब बहुत अच्छे होने चाहिए। ओके नेहा कहाँ पर? सर नेहा तो मैटरनिटी लीव पे गई है ना। मुझे पता है लेकिन 3 महीने पूरे हो चुके, वैसे उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। मेरी कल शाम को ही उससे बात हुई थी, वो कह रही थी वो आज ज्वाइन कर लेगी लेकिन आई नहीं है वो अभी तक। ओके तो मैं उसको भेजूँ सर? हाँ तुम एक बार देख। एक सेकंड, तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके देख लूंगा। नेहा कहाँ है? अरे मैं बहुत अच्छा डायपर, हाँ बेबी बेबी बेबी, हाँ मतलब बेबी का डायपर गीला हो गया। अरे अरे वेट अ मिनट वेट अ मिनट। अरे सर हेलो नेहा, हाय कैसी हो तुम? हमारी कल शाम को बात हुई थी, तुम आज ऑफिस आने वाली थी लेकिन तुम अभी तक ऑफिस आई नहीं हो। हाँ दी सर मैं आज आने वाली थी बट मेरी मेड नहीं आई है सुबह से, तो मुझे घर पे रुकना पड़ेगा एंड सब लोग बाहर गए हुए हैं। नेहा इट्स ओके, आई नो तुम्हें अपने बेबी को संभालना होगा लेकिन हमें हमारा नया प्रेजेंटेशन पिच करना है और तुम्हारे पिछले 2 प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैं चाहता हूँ इस बार का प्रेजेंटेशन भी तुम ही हैंडल करो। ओके सर आई अंडरस्टैंड बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं कल फॉर श्योर आ जाऊंगी। ग्रेट, तो कल तुम टाइम से आ जाना ठीक है। बाय द वे इज इट अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय? सर इट्स अ गर्ल। कांग्रेचुलेशंस, और हाँ अपने बेबी का ख्याल रखना। ओके सॉरी सर, आई विल कम टुमारो। थैंक यू, बाय। आदि आई जस्ट हर्ड कि नेहा नहीं आ रही है राइट? हाँ वो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो ठीक है लेट्स डू वन थिंग कि ड्रिंक के पिच के बारे में जो भी मेरे आइडियाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जब नेहा आएगी तो मैं उसे बता दूंगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, नेहा आएगी वो सब कुछ कर लेगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल्स की जरूरत है, मैं नहीं चाहता इस प्रोजेक्ट में कुछ भी डिले या कंफ्यूजन। प्रोफेशनल्स? Am I not professional? बताओ हाँ? क्या तुमने पूरा खाना बना दिया? हाँ भाभी। भाभी मैं क्या करूंगी? मैं डस्टिंग। अरे भाभी डस्टिंग मैंने कर दी है, अब कुछ काम बाकी नहीं है, आप जाके आराम कर लो बस, मैं सब कर लूंगी। नीलू मुझसे अब और आराम नहीं होगा, मुझे कुछ करना है प्लीज ना, प्लीज बैठ कोई काम देना मुझे। अरे भाभी आप ये क्या कर रही हो, मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा काम देती हूँ, आप जाके टीवी देखो मैं फ्रूट लेके आती हूँ, टीवी देखो फ्रूट खाओ, टीवी देखो फ्रूट खाओ, तब तक मीका भाभी बाहर से आ जाएंगी ठीक है?
नहीं नहीं मुझे कुछ और मुझे काम चाहिए। आई वांट टू डू समथिंग। मैं टीवी नहीं देख सकती। पीहू कहाँ? पीहू घर पे है। घर पे है? हाँ। उसका होमवर्क भी बाकी होगा। हाँ वही कर। बहुत सही है। Prathamesh wants to buy a laptop worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? Difficult? हाँ, मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बचपन में इसके लिए पता है क्या करती थी? देखो, अमाउंट इज 27,450 एंड उसके पास इतना है। नहीं 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 ईशिमा, हमारी टीचर ने हमें एक नया मेथड सिखाया है। वो हमें इस वाली मेथड से नहीं सिखाती है। तो कोई बात नहीं ना, तुम ये मेथड भी सीख लो। ये मेथड बहुत इजी भी है और इसमें आंसर तो वही का वही आएगा ना। पर ईशिमा अब मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा हाँ, तो फिर यू विल डू इट योरसेल्फ? हाँ ईशिमा, मैं अपने आप कर लूंगी। और क्या क्या है तुम्हारे सब्जेक्ट? ईशिमा जो भी डाउट्स है ना वो मैं अपनी ट्यूशन टीचर से पूछ लूंगी। अच्छा, मैं ट्यूशन छोड़ दूं तुम्हें? ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, मैं कीज लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं ईशिमा, मेरी ट्यूशन बस इधर ही है पास में, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी। अब प्लीज मुझे मेरा होमवर्क करने दो, मुझे ये ट्यूशन से पहले कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं, आप करो। पीहू को भी मेरी जरूरत नहीं है। अम्मा, अम्मा के पास जाती हूँ। सही है। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर चुप रहो, मैं बाहर में तुमको देखती हूँ। है ना माँ, कितनी प्रिटी लग रहे हो आप। सो प्रिटी अम्मा, कहाँ जा रहे हो आप इतना रेडी होके? हमारी कितनी पार्टी है ना आज। वाह माँ, यू लुक वेरी नाइस। अच्छा तो किरण कहाँ है? किरण तो घर पर नहीं है, कुछ काम है क्या? काम ही तो नहीं है अम्मा, कुछ भी काम नहीं है। आई एम सो बोर्ड, सोचते यहाँ के आप लोग टाइम पास कर लूँ। तो हमारी किट्टी पार्टी में आ जाना मेरे साथ। नो अम्मा, मैं थोड़ी ना वहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सब गॉसिप ही करते रहते हो, किसके बारे में बात करते वो भी समझ नहीं आता। रेशु हाँ, मेरा एक काम करना। बोलो ना अम्मा, आई वॉन्ट काम। तुम्हारे मदर इन लॉ के पास जाओ और देखो वो रेडी हुई कि नहीं और उसे क्या पहना है। ये फोटो निकालो उसका और मुझे भेज दो। उसके सामने पीका नहीं दिख रहा है ना मुझे। ये अम्मा कुछ भी बोलते हो आप। हम साउथ इंडियन वालों को पंजाबी वालों के सामने पीका नहीं लगना चाहिए। चलो भावना का कुछ पता चला? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको पर्सनली कॉल करती हूँ। ओके ठीक है। कहाँ चली गई? प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू। फोटो खींच दूं आपके एक? हाँ आप अच्छे लग रहे हो तो फोटो तो। हाँ हाँ, एक क्यों यार, जिन्ने मर्जी खींच, मेरा अपना बूथ है, किराएगा थोड़ी है। चल ठीक है, तो एक मिनट। हाँ उठा ठहर, इधर आई जरा, इधर आई। हाँ की गल है, क्यों आए जो मेरे फोटो खींचे जा रहे हैं आज? क्या मैम? हाँ मैम मैम मैम, समझ आ गई मैनू। ओए तू मेरे फोटो खींच के अपनी माँ को भेजेगी ताकि वो देखे कि मैंने क्या पहना है, और वो चलाक रूमड़ी मुझसे भी कुछ चंगा पहन के आ जाए, है कि नहीं ये गल? समझ आ गई, ज्यादा होशियार ना बन। अच्छा चल सारे डिटेल कर। हा? सारे फोटो डिटेल कर जो तूने खींचे मेरे। क्या क्या कड कड ज्यादा होशियारी ना करे मेरे नाल। अच्छा हाँ। अच्छा हुण मेरी ये बता, तेरी माँ क्या पहन के आ रही है?
मम्मी जी ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ओ गल सुन तू मेरी, ओ तू इधर नहीं गल उधर ले जा सकती है, उधर नहीं गल इधर नहीं ला सकती, बता दे यार। आप लोग ना मुझे इन सब चक्रों में फंसाई मत। ठीक है नहीं फंसाएंगे, ऐसा बताते कि यहाँ की बैठ रही है। ओए 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 गल सुनो, ओए ओ फिट्टे मुंह तेरा मद्रासन, बड़ी चलाक है तू। खैर फिर भी मेरे नाल थोड़ी तेरी लग सकती। भावना अपने घर पर भी नहीं है, तू कहाँ चली गई है ये? I just hope कि भावना जल्दी मिल जाए। मुझे रोमी को बताना होगा। अभी क्या कर रही हो तुम? भाभी प्याज तो क्या फिर से पूरा का पूरा खाना बना देने वाली हो? देखो तुम अभी नहीं बनाओगी खाना, रात का खाना मैं बनाने वाली थी ना। चलो तुम जाओ यहाँ से, मैं करूंगी। पर भाभी आप क्या आप लगा रखा है? एक काम करो तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, बहुत दिनों से तुमने आराम नहीं किया है। नीचे वॉक पे जाओ, जाओ भाभी। मैं बनाऊंगी ना खाना, मैं बोर हो गई हूँ, कुछ काम नहीं किया है मैंने। अरे रु रु रु, क्या क्या हो रहा है ये सब? आज का मेन्यू सुनो, मैं क्या क्या बना रही हूँ। रिसोटो, पास्ता, गार्लिक ब्रेड विद चीज, ऑसम फूड बनाने वाली हूँ मैं आज। क्यों सोसाइटी वाले आ रहे खाना खाने? इतना बोर हो गई हूँ ना मैं बता नहीं सकती हूँ, तो अब मैं खाना बनाऊंगी सब लोगों के लिए। लेकिन सब लोग तो खाएंगे नहीं क्योंकि मम्मी पापा और मैं तो हम लोग डाइट टिफिन साइन अप किया हुआ है। मैं भूल कैसे गई? पीहू तो पीहू खाएगी ना, पीहू को तो पास्ता बहुत पसंद है, एटलीस्ट उसके लिए। मैं भी भूल गया, सॉरी। क्या सुबह जब पीहू को स्कूल छोड़ा था उसने कहा था उसे डिनर में पिज्जा चाहिए। इनफैक्ट मैंने आते पिज्जा ऑर्डर भी किया है एंड इट मस्ट बी ऑन इट्स वे। आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? आपने ऑर्डर क्यों कर दिया रमन? पता है मैं सुबह से इतनी बोर हो गई हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया है, बस बैठी हुई हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, काम नहीं मिल रहा है मुझे। मैं खाना बनाने वाली थी। हाँ तो मैं पिज्जा कैंसिल कर देता हूँ। नहीं मत करो कैंसिल, अब फिर पिज्जा नहीं आएगा तो पीहू बेचारी, ऊपर से फिर आप लोग का डाइट टिफिन भी आने वाला है। चलो ठीक है खाना आ जाएगा तो मैं वो परोस दूंगी, इतना ही काम रह गया। अच्छा डिजर्ट खाओगे? कैरमल कस्टर्ड? हाँ डिजर्ट ऑर्डर नहीं किया तो तुम वो बना सकती हो। ओके और कुछ? नहीं बस ओके। एक से हो जाएगा, एक आध और कुछ? आज एक कल दो परसों तीन करते रहेंगे, काम तो है, टाइम ही टाइम है हमारे पास। ओके कैरमल कस्टर्ड। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।